नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। धनतेरस पर ये सात उपाय चमका देंगे किस्मत। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल, जो लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त है, उसमें की जानी चाहिए। पूजा सूर्यास्त और दिन के अंत के अगले एक घंटे और 43 मिनट के बाद शुरू की जा सकती है। धनतेरस पूजा को धन्वंतरी त्रयोदशी, धन्वंतरी जयंती पूजा, यम द्वीप और धन त्रयोदशी के रूप में भी कहा जाता है। धनतेरस कैसे मनाई जाती है? इस महान अवसर पर लोग सामान्यतः अपने घरों की मरम्मत कराते हैं, साफ सफाई और पुताई कराते हैं, आंतरिक और बाहरी घर सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, मिट्टी के दिए जलाते हैं और कई और परंपराओं का पालन करते हैं। वे अपने घर धन और समृद्धि लाने के लिए देवी लक्ष्मी के तैयार किए गए पैरों के निशान चिपकाते हैं। धनतेरस पूजा मुहूर्त 7:19 से 8:17 तक, कुल अवधि 58 मिनट। प्रदोष काल 5:45 से 8:17 तक। वृषभ काल 7:19 से 9:14 तक। धनतेरस के दिन पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल के दौरान होता है, जब स्थिर लग्न प्रचलित होती है। माना जाता है कि अगर स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती हैं। वृषभ लग्न को स्थिर माना गया है और दिवाली के त्योहार के दौरान यह अधिकतर प्रदोष काल के साथ ही चल रही होती हैं। धन्वंतरी जी का परिचय। धनतेरस पर कुबेर के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी रहती है। धन्वंतरी हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक देवताओं के वैद्य हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनकी चार भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाएं शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि दो अन्य भुजाओं में से एक में जलूका और औषधि तथा दूसरे में अमृत कलश है। इनकी प्रिय धातु पीतल है। आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य इन्हें आरोग्य का देवता कहते हैं। धनतेरस के दिन क्या करें? धनतेरस के दिन सिर्फ नई वस्तुओं की खरीदारी ही नहीं की जाती, बल्कि दीप भी जलाए जाते हैं। इसके पीछे कई तरह की किंवदंतियां हैं। इस दिन प्रवेश द्वार पर जलाए जाने वाले दीपकों के बारे में मान्यता है कि इनकी वजह से घर में अकाल मौत का भय खत्म हो जाता है और परिवार की लौ हमेशा जलती रहती है। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा के बारे में कहा जाता है कि धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। इसी के बाद से ही उनके जन्मदिन पर नए बर्तन खरीदने का चलन शुरू हुआ। ये भी माना जाता है कि इस दिन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के लिए लोग उनकी मूर्तियां भी धनतेरस के दिन ही खरीदते हैं। धनतेरस के दिन किन चीजों की खरीदारी करें? लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदें और दीपावली के दिन इसी का पूजन करें। अक्सर लोग दीपावली के समय नई गाड़ी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन भी गाड़ियां बड़ी संख्या में खरीदी जाती हैं। यदि आप भी धनतेरस के दिन नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भुगतान पहले ही कर दें। धनतेरस के दिन वाहन के लिए भुगतान करने से बचें। वाहन को राहु काल में घर में नहीं लाना चाहिए। स्वर्ण व चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ है। इस दिन यदि कपड़े खरीद रहे हैं तो सफेद या लाल रंग के कपड़ों को प्राथमिकता दें। संपत्ति खरीदना इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। दक्षिणवर्ती शंख, कमल गट्टे की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन प्राण प्रतिष्ठित रसराज पारद श्री यंत्रम घर में लाना भी लाभकारी होता है। चूंकि यह भगवान धन्वंतरी का दिन है, इसलिए इस दिन औषधि भी खरीदी जा सकती है। स्टील और पीतल के बर्तन लिए जा सकते हैं। धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।